हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मंत्रियों की सुरक्षा में तैनात दो बड़े अधिकारी आपस में भिड़ गए। नाराजगी की वजह तो पता नहीं चली, लेकिन जब हंगामा बढ़ा तो आम लोगों ने भी बवाल शुरू कर दिया। और विवाद तब शुरू हुआ जब अचानक किसी बात पर कुल्लू के एसपी गौरव सिंह ने थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात अधिकारी को मारा गया था। आवाज तो सुनाई नहीं दी, लेकिन वीडियो देखकर ऐसा लगा कि किसी बात पर एसपी को धमकाया जा रहा था, जिस पर गौरव सिंह आपा खो बैठे। इसके बाद तो आसपास खड़े कई पुलिस अधिकारी भड़क गए। साथ में काला कोट पहने सुरक्षा में तैनात कुछ और अधिकारी भी आ गए। कुछ लोग एसपी गौरव सिंह को पीछे ले जाने लगे और काला कोट पहने एक अधिकारी ने एसपी को लातों से मारना शुरू कर दिया। तभी खाकी वर्दी में कुछ और पुलिस अधिकारी भी दौड़ते हुए पहुंचे, लेकिन एसपी गौरव सिंह खुद भागते हुए दूर चले गए। ये पूरी घटना तब हुई जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 4 दिन के लिए कुल्लू के दौरे पर है। घटना के वक्त हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद थे और अफसरों के बीच मारपीट की ये पूरी घटना उनके सामने ही हुई। वीडियो में साफ दिखा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपनी कार में आकर बैठे। सिक्योरिटी इंचार्ज ने उनके बैठने के बाद कार का दरवाजा बंद किया, जिसके बाद अफसरों की भिड़ंत शुरू हुई। आसपास के लोग भी वहां मौजूद थे, जो अपने इलाके के एसपी की पिटाई होते देख भड़क गए। घटना देखकर पहले एक आदमी चिल्लाया और उसकी बात सुनकर भीड़ बढ़ने लगी। अधिकारियों ने मौके की नजाकत समझते हुए गाड़ियों के काफिले को फौरन रवाना कर दिया, लेकिन लोगों ने एसपी के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद काफी देर तक पुलिस वाले लोगों को शांत कराने में लगे रहे, लेकिन दो बड़े अधिकारियों के भिड़ने की घटना पर हंगामा बढ़ने में भी देर नहीं लगी। इसीलिए पुलिस ने भी फौरन एक बयान जारी किया और बताया कि केंद्रीय मंत्री के दौरे के दौरान हुई घटना की जांच के लिए आदेश जारी कर दिया गया है और रेंज के डीआईजी मधुसूदन को घटना की जांच का आदेश दिया गया है, जो उस वक्त वहां मौजूद थे। अफसरों के बीच झगड़े की घटना कुल्लू के भुंतर एयरपोर्ट के बाहर हुई। उस वक्त नेताओं की गाड़ियां निकलने से पहले बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। इसी बात पर मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों की एसपी गौरव सिंह से बहस होने की खबर है। जिस अधिकारी को एसपी गौरव सिंह ने थप्पड़ मारा, वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सुरक्षा के इंचार्ज हैं। हालांकि इस घटना के वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगे हैं, जिसके बाद खुद सीएम ने मामले पर सफाई दी। हमने इंक्वायरी का ऑर्डर दिए हैं, हमने कहा कि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट दीजिए, एक्शन करेंगे जो कार्रवाई होगी। सो बात की बात यह कि जितना बड़ा ओहदा होता है, अहंकार भी कई बार उतना ही बड़ा हो जाता है, और जब दो ऊंचे ओहदे वालों का अहंकार टकराता है तो मौका और माहौल का होश भी नहीं रहता, जिसकी अजीबोगरीब मिसाल कुल्लू में दिखी, जहां मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी की बात कुल्लू के एसपी को बुरी लगी तो सीएम और केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी का लिहाज न करते हुए दोनों अफसरों के बीच लात मुक्के चलने लगे, जिसकी वजह ईगो ही मानी जा रही है, क्योंकि सीएम सिक्योरिटी के एडिशनल एसपी प्रमोशन पाकर आईपीएस बने, जबकि कुल्लू के एसपी 2013 बैच के डायरेक्ट आईपीएस हैं। और पुलिस विभाग में प्रदेश और ऑल इंडिया कैडर के अफसरों के बीच ईगो का टकराव कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो हंगामा खेज रूप में अब सामने आई। मध्य प्रदेश के कई शहरों में कुछ घंटों की बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। जिन जगहों पर बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी, उनमें खंडवा जिला भी शामिल है। वहां रात में जोरदार बारिश हुई और देखते ही देखते नदी और नालों में इतना पानी भर गया कि वो आसपास के रिहायशी इलाकों में घुस गया। रात भर परेशानी झेलने के बाद जब लोगों ने सुबह आंख खोली तो आसपास का मंजर हैरान करने वाला था। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखा। मुश्किल तो ये थी कि पानी सड़कों पर ऐसे बह रहा था जैसे समंदर में लहरें उठ रही हों। ये देखकर लोग भी हैरान रह गए। जो जहां खड़ा था वो वहीं से समंदर जैसी सड़कों को देखता रहा। बुरहानपुर में तो केवल 1 घंटे की बारिश से हालात बिगड़ गए। वहां मानसून की पहली बारिश के बाद ही कई इलाकों में पानी भर गया, जिसमें कुछ बच्चे मौज मस्ती करते दिखे। वैसे इस बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत भी मिली, लेकिन ये राहत उस मुसीबत के आगे कुछ नहीं थी जो लोगों को सड़कों पर घुटनों तक पानी भरने से झेलनी पड़ी। लोग हों या गाड़ियां, सब इस पानी से गुजरने को मजबूर हो गए। सौ बात की एक बात यह कि खंडवा और बुरहानपुर का इलाका सतपुड़ा की पहाड़ियों में बसा है, जहां बहुत से गांव और कस्बे भी टीले जैसी पहाड़ियों के बीच बसे हैं, और पहाड़ियों का पानी भी बरसाती नालों के रास्ते बस्तियों में आ जाता है, जिसकी वजह से वहां कुछ घंटों की तेज बारिश के बाद जल भराव का संकट पैदा हो जाता है। बैंकों का पैसा लेकर फरार हुए आरोपी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को ईडी से बड़ा झटका लगा है। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि इन तीनों की करीब 8,500 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। ईडी ने उन बैंकों को ट्रांसफर कर दी है जिनका पैसा लेकर इन पर फरार होने का आरोप है। इसके साथ ही उन बैंकों को अब यह अधिकार होगा कि वो उन संपत्तियों की नीलामी कर सकें।
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने इन तीनों की 18,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की थी, जिसका बड़ा हिस्सा सरकारी बैंकों को दे दिया गया ताकि वो इन पैसों से अपने नुकसान की भरपाई कर सके। आरोप है कि इन तीनों ने अपनी कंपनियों के जरिए पैसों की जो हेराफेरी की, उससे बैंकों को करीब 22,000 करोड़ से ज्यादा की चपत लगी। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट देश के 8 राज्यों में फैल चुका है। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि देश भर में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं और 8 राज्यों में कोरोना का यह खतरनाक रूप अपने पैर पसार चुका है। महाराष्ट्र में इस वेरिएंट के सबसे ज्यादा 21 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 6 और केरल में 3 मरीजों में इस वेरिएंट का पता चल चुका है। इसके अलावा पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू और आंध्र प्रदेश में एक एक मरीज में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीजों की तादाद बढ़ने पर केंद्र ने सभी राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए। उत्तराखंड में नदी किनारे बसे गांवों में रहने वाले लोगों पर रहने खाने का संकट मंडराने लगा। बारिश की वजह से वहां के कई जिलों में पहाड़ खिसकने की घटनाएं हो रही हैं और नदियां भी उफान पर हैं। पिछले कुछ दिनों से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं और लगातार पहाड़ खिसकने की घटनाएं हो रही हैं। चमोली में तो बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि सड़कें टूट गईं, कई परिवार बेघर हो गए। सर से छत छिनी तो मजबूरन इन लोगों को खेतों में टेंट लगाकर रहना पड़ा, वो भी किराया देकर। इनका पूरा का पूरा मकान जो है वो पानी में बह गया और अब मजबूरी में इस तरीके से ये खेत में टेंट लगाकर पूरे परिवार के साथ रहने को मजबूर है। बर्बादी का हाल यह है कि इन परिवारों के पास अब अपना कहने को कुछ नहीं बचा। यही वजह रही कि अपनी परेशानी बताते हुए उनकी आंखें भर आईं। मकान ना, मेरे जमीन है, जमीन भी पूरी चले गई। सड़कें टूटी तो गांवों का शहरों से संपर्क भी टूट गया। नतीजा ये हुआ कि बीमार लोगों को इलाज तक नहीं मिला। रोड नहीं है, लैंड नहीं है, बीमार है और रोड नहीं है, कहां से ले जाओ। जब भी बारिश होती है तो चमोली जिले के इस गांव के पास बहने वाली पिंडर नदी तांडव मचाती है, इसलिए इन लोगों को यहां से दूसरी जगह विस्थापित करने के बारे में सोचा जा रहा है। सौभाग्य की बात यह कि उत्तराखंड का चमोली जिला चारधाम यात्रा के रास्ते में पड़ता है, जहां बारिश के बाद पहाड़ की मिट्टी और चट्टाने खिसकने की सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं और उसी संकट की वजह से राज्य के डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग ने 4 साल पहले चमोली के 6 दर्जन गांवों पर गंभीर खतरे की बात मानी थी, जिनमें 1.5 दर्जन गांवों को कहीं और बसाने की सिफारिश भी की गई थी, जिसकी मांग अब चमोली के लोग भी करने लगे। गुजरात के राजकोट से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक कार पुल से नीचे गिरकर नदी में बह गई। हादसे में उस कार में सवार एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाओं को आसपास के कुछ लोगों ने डूबने से बचा लिया। लेकिन इसके लिए उन लोगों को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी, क्योंकि जिस वक्त वो लोग एक रस्सी के सहारे पुल से नीचे उतरकर उनकी मदद कर रहे थे, उसी वक्त नदी में पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे वो कार कई बार पलट गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग पुल के ऊपर खड़े दिखाई दिए, उन्होंने उस रस्सी को कसकर पकड़ रखा था। इसके बाद उस आदमी के शव को भी उसी रस्सी के सहारे ऊपर खींचा गया, जिसकी मौत पानी में डूबने से हो गई थी। इस हादसे के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। सौभाग्य की एक बात है कि बारिश के मौसम में गाड़ी चलाते समय हम लोग अक्सर पानी की धार का अंदाजा लगाने में चूक जाते हैं और अगर धार में ना भी फंसे तो सड़कों और पुल पर फिसलन को नजरअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से राजकोट में औसतन हर साल मॉनसून में ऐसे 2-3 हादसे हो रहे हैं, जहां कई बार पानी की तेज धार कार को बहा ले जाती है और कई बार बिना रेलिंग वाले पुल से कार नदी में गिर जाती है। यूपी के मेरठ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 पक्षों में हुई मारपीट को सुलझाने गए कुछ पुलिस वालों पर हमला हो गया। आरोप है कि एक पुलिस वाले ने भी एक छोटे बच्चे के साथ बदसलूकी की, जिस पर पुलिस ने बाद में सफाई भी दी, लेकिन उससे पहले जो हुआ वो डरा देने वाला था। सामने आई एक तस्वीर में एक लड़का एक ट्रैफिक पुलिस वाले पर हमला करता दिखा, उसने उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद कुछ और पुलिस वाले वहां पहुंच गए और हमला करने वाले लड़के को पकड़कर पीटने लगे। बवाल यहीं शांत नहीं हुआ। पुलिस की पिटाई से जख्मी हुए लड़के के परिवार वाले हंगामा करने लगे। हाथ में ईंट लिए एक महिला तो एक पुलिस वाले को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ी। इसके बाद वो महिला अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर उस लड़के को बचाने के लिए पुलिस वालों से भिड़ गई। मारपीट को देखकर वहां कई लोग जुट गए और उनमें कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की भी कोशिश की। काफी देर के बाद भी जब यह हंगामा खत्म नहीं हुआ तो कुछ और पुलिस वालों को वहां बुलाना पड़ा, जिसके बाद हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया। आरोप है कि इसी दौरान एक पुलिस वाले ने 2 महीने के बच्चे को भी जबरन उठा लिया। बच्चों को चोट न पहुंचे लोगों के पथराव में पुलिस के द्वारा
उसको इवैक्यूएट वहां से किया जा रहा है। पुलिस ने मारपीट के इस मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सौबात की एक बात यह कि तरीका अगर गलत हो तो अच्छी नीयत से किया गया काम भी गुनाह बन जाता है, और मेरठ में वही हुआ, जहां फुटपाथ पर रहने वाले शराबियों का बवाल चल रहा था और पुलिस वाले ने 2 महीने के बच्चे को पथराव से बचाने के नाम पर ऐसे टांग लिया जैसे मानो वो कोई झोला उठा रहा, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद शराबियों की करतूत से ज्यादा सवाल बच्चे के साथ पुलिस की क्रूरता पर उठने लगे। मध्य प्रदेश के मुरैना से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां रेत का अवैध खनन करने वाले गिरोह से जुड़े कुछ लोगों ने वन विभाग की टीम पर हमला करने की कोशिश की। इस घटना से ठीक पहले वहां उन लोगों ने रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए अपनी गाड़ी उनके पीछे दौड़ा दी। भाई बिल्कुल। बताया गया कि इसी दौरान वहां एक दूसरी ट्रैक्टर ट्रॉली से वन विभाग की टीम को कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन इस कोशिश में वो ट्रॉली पलट गई। घटना की खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और उस ट्रॉली को अपने कब्जे में ले लिया। बीच सड़क पर हुई इस घटना की वजह से वहां काफी लंबा जैम लग गया, जिसे बाद में पुलिस ने खुलवा दिया। सौबात की बात यह कि मध्य प्रदेश के चंबल के जिन बिहड़ों में कभी डाकुओं की दहशत थी, अब वहां डाकुओं की जगह खनन माफिया ने ले ली है, जिसके गुर्गे पुलिस और वन विभाग के बड़े अफसरों पर जानलेवा हमला करने से भी नहीं हिचकते। और अब उनके निशाने पर मुरैना में तैनात एक महिला वन अधिकारी है, जिन पर रेत माफिया से जुड़े लोग बीते 3 महीने में 9 बार हमला कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक बूथ में 2 लोगों ने ATM इंजीनियर से मारपीट की। बताया गया कि दोनों आरोपी ATM में कैश डालने पहुंचे थे, लेकिन वो मशीन खराब थी, जिसे ठीक करने में वो इंजीनियर जुटा था। आरोप है कि वो दोनों मशीन के ठीक होने में देरी होने पर भड़क गए और मारपीट पर उतारू हो गए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि दोनों ने उस इंजीनियर के हाथों को पकड़ लिया और उसे दे दनादन पीटते रहे। कभी पीठ में कोहनी मारी तो कभी उसे लगातार इतने थप्पड़ जड़े कि उसके लिए संभल पाना भी मुश्किल हो गया। हालांकि वो इंजीनियर उनका लगातार सामना करता रहा, वो उन्हें रोकने की कोशिश करता दिखा, लेकिन वो अकेला था और आरोपी दो। इस बीच वहां कुछ लोग भी पहुंचे जो उन्हें शांत करते दिखाई दिए। एक गनमैन भी इन लोगों को समझाता नजर आया, लेकिन आरोपियों पर तो मारपीट की धुन सवार थी। मेरी आंख में काफी चोट आई है और गर्दन में भी चोट है मेरे। इसके बाद पीड़ित वहां से सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और दोनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सौबात की बात है कि हम लोग खुद भले ही लेट लतीफी का रिकॉर्ड तोड़ दें, लेकिन दूसरे के काम में 2 मिनट की देरी पर भी हमारा दिमाग खराब हो जाता है, जैसा कि फिरोजाबाद में उन 2 युवकों का हो गया, जिनको ATM की ABCD तक नहीं मालूम, फिर भी ATM की मरम्मत में देरी बर्दाश्त नहीं हुई और इंजीनियर को पीटने लगे। मुंबई के पास विरार से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक शादी समारोह में कोरोना नियमों की अनदेखी की गई, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया। महाराष्ट्र में किसी भी शादी समारोह में 50 लोगों के ही शामिल होने की इजाजत है, लेकिन इस शादी में नियमों को ताक पर रख दिया गया और एक मैरिज हॉल में लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम वहां आधमकी और शादी के जश्न में डूबे लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी। लड़की के घरवाले कार्रवाई न करने की गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी एक नहीं चली और लोगों से हॉल को खाली करने को कह दिया गया। इसके बाद लड़की वालों पर बिना इजाजत शादी का आयोजन करने के आरोप में 50,000 का जुर्माना लगाया गया। 94 लोगों के ऊपर शादी में लोग शामिल थे, इसलिए उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, महानगर पालिका ने नियम तोड़ने के आरोप में मैरिज हॉल को भी सील कर दिया। सौबात की एक बात है कि शादी ब्याह खुशी का मौका होता है, लेकिन हमको अपनी खुशी के लिए पूरे शहर, राज्य और देश में महामारी का खतरा फैलाने का कोई हक नहीं है। और कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाकर तो हम अपने ही रिश्तेदारों और दोस्तों की जान खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि शादी में मेहमान तो हमारे अपने ही होते हैं। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान को खत्म करने के लिए आलाकमान ने नया प्लान तैयार किया। न्यूज 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि इस कलह को खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को 18 निर्देश दिए। कहा जा रहा है कि ये निर्देश ज्यादातर उन्हीं मामलों से जुड़े हुए हैं जिन्हें सिद्धू ने उठाया था। खबर है कि अमरिंदर सिंह को दिए गए 18 निर्देशों में ड्रग्स, रेत और ट्रांसपोर्ट माफिया पर तुरंत कार्रवाई शामिल है। इसके अलावा पंजाब के हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का निर्देश देने की भी चर्चा है। इस बीच अमरिंदर सिंह के बाद सिद्धू को भी दिल्ली तलब किया गया। खबर है कि इससे पहले दिल्ली आए कैप्टन अमरिंदर सिंह राहुल गांधी या सोनिया गांधी से मिले बिना चंडीगढ़ लौट गए। सियासी उठापटक के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह के OSD अंकित बंसल ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि पंजाब में कांग्रेस की वापसी कैप्टन की वजह से हुई। माना जा रहा है कि ये ट्वीट सिद्धू पर निशाना साधने के लिए है, क्योंकि इसमें इशारों में लिखा गया कि जो लोग मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। ये नहीं, ट्वीट में आलाकमान को याद दिलाया गया कि कैप्टन को कम आंकने की वजह से पंजाब में कांग्रेस सत्ता से दूर रही।
इस बीच इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता गौतम सेठ ने इस बात की शिकायत आलाकमान से कर दी और सोशल मीडिया पर किए पोस्ट पर आपत्ति जताई। बिहार के कई इलाकों में बारिश थमने के बाद नदियों के उफान ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया। भागलपुर में तो गंगा नदी के किनारे बसे कुछ गांवों के लोग तेज बहाव को देखकर सहम गए, क्योंकि वहां पिछले कुछ दिनों के अंदर ही नदी के तेज बहाव में किनारे की बहुत सारी मिट्टी कट चुकी है। इतना ही नहीं, 3 साल पहले वहां सीमेंट की जो सड़कें बनाई गई थीं, उसका एक बड़ा हिस्सा भी नदी में समा गया। बोल दे गंगा माई की जय, आधे रोड टूट गया भाई। लोगों ने चिंता जताई कि किनारे की मिट्टी को काटते हुए नदी का पानी उनके गांवों में भी घुस सकता है। अब किस रास्ते से जाएगा इस गांव वाले को पता नहीं है। नवादा में भी नदियों के उफान पर आने से कई रास्ते टूट गए। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में एक रास्ते पर पानी सैलाब की तरह बहता नजर आया। बताया गया कि इस रास्ते के टूटने से वहां के कई गांवों का आपस में संपर्क कट गया। सौबात की एक बात है कि बिहार में नदियों पर तटबंध बनाकर बाढ़ रोकने की कोशिश ही अब खतरा बन गई है, क्योंकि बारिश के बाद नदियों का पानी बढ़ता है तो मिट्टी के तटबंध पानी का दबाव नहीं झेल पाते, और जब पानी का स्तर कम होता है तब तटबंधों की गीली मिट्टी भी पानी की धार से कट जाती है, और तटबंध टूटने से जो बाढ़ आती है उसके सामने मकान, सड़क, हाईवे, पुल जो भी आता है वो पानी की धार में बह जाता है।